2016 में नोटबंदी के समय फर्जी खाते खोल बड़ी रकम खपाने का फर्जीवाड़ा सामने आया है और इसका आरोप छत्तीसगढ़ संस्कृति और पुरातत्व विभाग में डिप्टी डायरेक्टर पद पर पदस्थ सना सोलन हाफमैन पर लगा है। आपको बता दें कि मुजगहन थाने में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक सना सोलन हाफमैन ने नोटबंदी के समय IDBI बैंक के मैनेजर के साथ मिलकर सिविल लाइन ब्रांच में फर्जी खाते खोले हैं। ये खाते सना ने विदेश में रह रहे अपने पति के नाम से खोले। जब पति को सना के इस फर्जीवाड़े का पता चला तो उसने ही थाने में शिकायत की और कोर्ट में केस दर्ज किया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने सना हाफमैन और ऋषिराज अनेजा के खिलाफ केस दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।